सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 445 आर्टिकल्स और 25 पार्ट्स हैं। हर पार्ट के अंदर कोई ना कोई आर्टिकल इंक्लूडेड होता है और ये 445 आर्टिकल्स इन 25 पार्ट्स के अंदर इंक्लूडेड हैं। वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारे आर्टिकल्स और पार्ट्स हैं, लेकिन हमें सारे नहीं याद रखने, हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और पार्ट्स याद रखने हैं जिनसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं आप लोगों को तीन इम्पोर्टेंट पार्ट्स बताऊंगा जिनको आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, और इनके मैं जितने भी आर्टिकल्स आपको बताऊंगा इन्हें भी आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहला है पार्ट वन, ये हमें बताता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। इसमें आर्टिकल्स 1 से लेकर 4 इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट है पार्ट सेकेंड, ये हमें सिटीजनशिप के बारे में बताता है और इसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट है पार्ट थ्री, ये हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है और इसमें आर्टिकल्स 12 से लेकर 35 तक इंक्लूडेड हैं। तो ये थे वो तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में इन्हीं तीन पार्ट से पूछे जाते हैं। अब मैं आप लोगों को जितने भी पार्ट्स बताऊंगा उनमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि वो पार्ट क्या बताते हैं, इनके आप लोगों को आर्टिकल्स नहीं याद करने। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट फोर, ये हमें बताता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। पार्ट 4A हमें बताता है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। नेक्स्ट है पार्ट 5, ये हमें बताता है यूनियन के बारे में और इसमें 5 चैप्टर्स होते हैं। सबसे पहला चैप्टर होता है द एग्जीक्यूटिव, सेकेंड चैप्टर होता है पार्लियामेंट, थर्ड चैप्टर होता है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, फोर्थ चैप्टर होता है यूनियन जुडिशरी, और फिफ्थ चैप्टर होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये 5 चैप्टर आप लोगों को याद होने चाहिए। नेक्स्ट है पार्ट 6, पार्ट 6 बताता है स्टेट्स के बारे में, पार्ट 8 बताता है यूनियन टेरिटरीज के बारे में, पार्ट 9 बताता है पंचायत्स के बारे में, पार्ट 9A बताता है म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में, पार्ट 9B बताता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में, पार्ट 10 बताता है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में, पार्ट 11 बताता है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में, पार्ट 15 बताता है इलेक्शंस के बारे में, पार्ट 17 बताता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में, पार्ट 18 बताता है इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में, और पार्ट 20 बताता है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल इंक्लूडेड है, वो है आर्टिकल 368, और ये आर्टिकल आप लोगों को याद होना चाहिए। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो आप लोगों को याद करने हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 के बारे में। पार्ट 1 हमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में बताता है और इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक सभी इंक्लूडेड हैं। आर्टिकल 1 हमें ये बताता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ ऑल स्टेट्स, स्टेट्स एंड टेरिटरी शैल बी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल, और टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज ऑफ टेरिटरीज ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल एंड अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आर्टिकल 1 हमें बताता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 हमें बताता है एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स के बारे में, और ये हमें बताता है कि पार्लियामेंट एक लॉ बना सकता है जिससे वो किसी भी स्टेट को यूनियन में इंक्लूड कर सकता है और एस्टैब्लिश कर सकता है न्यू स्टेट्स को। नेक्स्ट है आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 हमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्री और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट के बारे में बताता है। इसके अलावा ये आर्टिकल हमें ये भी बताता है कि पार्लियामेंट लॉ बनाकर किसी भी दो स्टेट्स को तोड़कर या जोड़कर एक नई स्टेट बना सकता है, किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, किसी भी स्टेट की बाउंड्री को ऑल्टर कर सकता है, और किसी भी स्टेट के नेम को चेंज कर सकता है। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें आर्टिकल 3 बताता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 हमें सिटीजनशिप के बारे में बताता है और इसमें आर्टिकल 5 से लेके 11 तक सभी ही इंक्लूडेड हैं। आर्टिकल 5 हमें सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है। आर्टिकल 6 हमें उन लोगों की राइट ऑफ सिटीजनशिप के बारे में बताता है जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया आ गए। आर्टिकल 7
उन लोगों के राइट ऑफ सिटीजनशिप के बारे में बताता है जो पाकिस्तान माइग्रेट कर गए। आर्टिकल 8 हमें उन लोगों की राइट ऑफ सिटीजनशिप के बारे में बताता है जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन वो इंडिया के बाहर रह रहे हैं। और आर्टिकल 9 हमें ये बताता है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो राइट ऑफ सिटीजनशिप को रेगुलेट कर सकता है एक लॉ पास करके। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पार्ट 2 के जो आप लोगों को याद रखने हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 3 हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है और इसमें आर्टिकल्स 12 से लेके 35 तक सभी इंक्लूडेड हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो आप लोगों को याद करनी है। ये है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हैं जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए कि किस राइट में कौन से आर्टिकल्स इंक्लूडेड हैं। यहाँ मैं आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहूंगा, वो ये है कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट बना दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी पहले आर्टिकल 31 में लिखा जाता था लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 31 को ओमिट कर दिया गया। इसीलिए आप यहां देखेंगे कि आर्टिकल 30 के बाद मैंने डायरेक्ट आर्टिकल 32 के बारे में बताया है। तो आप लोगों को ये याद रखना होगा कि 44th अमेंडमेंट से पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे और अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 हमें फंडामेंटल राइट्स के डेफिनेशन के बारे में बताता है। अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट फंडामेंटल राइट के बारे में जो कि है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी के अंदर आर्टिकल 14 से लेके 18 तक सभी ही इंक्लूडेड हैं। आर्टिकल 14 हमें बताता है इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में। इसका ये मतलब है कि कानून सभी के लिए एक जैसा होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, लड़का हो या लड़की हो, कानून सभी के लिए इक्वल और एक जैसा है। नेक्स्ट है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 हमें ये बताता है कि हम किसी भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर। नेक्स्ट है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 हमें बताता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में और आर्टिकल 18 हमें बताता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में। आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में इनसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेकेंड फंडामेंटल राइट के बारे में जो कि है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 से लेके 22 तक सभी ही इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 हमें बताता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में और ये हमें बताता है कि हर सिटीजन के पास कुछ राइट होती हैं, जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पीसफुली असेंबल होने की विदाउट आर्म्स, एसोसिएशन या यूनियन फॉर्म करने की, किसी भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में फ्रीली घूमने की, किसी भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में रिसाइड या सेटल होने की और किसी भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस को प्रैक्टिस करने की। तो ये है वो 5 राइट जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 हमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बताता है। आर्टिकल 21A हमें राइट टू एजुकेशन के बारे में बताता है और ये हमें बताता है कि स्टेट को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन उन सभी बच्चों को प्रोवाइड करनी होगी जिनकी उम्र 6 से लेकर 14 साल के बीच में है। आर्टिकल 21 और 21A बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और पेपर में इनसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें आर्टिकल 23 और 24 इंक्लूडेड है। आर्टिकल 24 हमें प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज के बारे में बताता है और ये आर्टिकल हमें बताता है कि कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम है उससे आप फैक्ट्री या माइन में काम नहीं करवा सकते। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें आर्टिकल 25 से लेके 28 तक सभी ही इंक्लूडेड हैं। आर्टिकल 25 हमें बताता है
फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन के बारे में, और आर्टिकल 26 हमें बताता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर के बारे में। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और इसमें आर्टिकल 29 और 30 इंक्लूडेड हैं। आर्टिकल 29 हमें बताता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज के बारे में। आर्टिकल 30 हमें राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताता है। नेक्स्ट और लास्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसमें आर्टिकल 32 इंक्लूडेड है। आर्टिकल 32 हमें राइट प्रोवाइड करता है कि अगर हमारी कोई भी फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रही हो तो हम उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। B.R. अम्बेडकर, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उन्होंने इस राइट को बोला है हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और पार्ट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। आई होप आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट या सजेशन हो तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।